पिछले कुछ दिनों से देश में एक शब्द सबसे ज्यादा सुर्खियों में, शब्द है धमकी। पिछले महीने भर में शायद सबसे ज्यादा खबर धमकी की ही आई होगी। हवाई जहाज को धमकी, सलमान खान को धमकी, शाहरुख खान को धमकी, 500 करोड़ का नुकसान धमकी से हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में दो धमकी रही। देश के दो सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान को मिली धमकी। और अब शाहरुख खान को धमकी मामले में बड़ा अपडेट आया है। शाहरुख खान को धमकी मामले में मुंबई पुलिस ने रायपुर से वकील फैजान खान को गिरफ्तार कर लिया। चूंकि पूरे मामले में विस्तार से बात करना जरूरी है, हो गया है, इसलिए आपको चलिए विस्तार से सब कुछ बता देता हूं। शाहरुख खान को धमकी मामले में मुंबई पुलिस ने मंगलवार की सुबह रायपुर से फैजान खान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने फैजान को कोर्ट में पेश किया। फैजान की गिरफ्तारी सामान्य नहीं थी। धमकी मिलने के अगले दिन ही जिस फैजान को पुलिस ने केवल पूछताछ के बाद छोड़ दिया था, तो आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुंबई पुलिस ने फैजान को गिरफ्तार कर लिया। मामला बहुत सामान्य नहीं है, इसीलिए आपको विस्तार से सब कुछ बताऊंगा। देख लीजिए स्क्रीन। देखिए, सबसे पहले तो यह समझ लीजिए पूरा मामला है क्या और इसका रायपुर और फैजान कनेक्शन क्या है। पूरे मामले की शुरुआत होती है मुंबई के बांद्रा थाने से। मुंबई के बांद्रा थाने में एक फोन आता है। फोन करने वाला कहता है कि शाहरुख खान मन्नत वाला है ना, उसने अगर मेरे को 50 लाख रुपए नहीं दिए तो उसे मार डालूंगा। पुलिस वाला पूछता है, कौन बोल रहे हो, कहां से बोल रहे हो? तो धमकी देने वाले ने भी पूरे रौब में कहा कि वो मैटर नहीं करता, लिखना है तो मेरा नाम हिंदुस्तानी लिख दो। और इसके बाद फोन कट गया। अब इस पूरे मामले के बाद मुंबई पुलिस एक्टिव हुई, फोन को ट्रेस किया गया, फोन रायपुर के फैजान का निकला। मुंबई पुलिस गुरुवार 7 नवंबर को रायपुर आती है, फैजान को हिरासत में लिया जाता है और पुलिस पूछताछ में फैजान भी पूरा सहयोग करते हैं। पुलिस पूछताछ के बाद फैजान को छोड़ देती है। इसके बाद फैजान मीडिया के सामने आते हैं और इस खबर में एक नया एंगल आ जाता है। फैजान मीडिया के सामने बड़ा दावा करते हैं। फैजान का दावा था, यह पूरा मामला केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि फैजान ने शाहरुख खान के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई है। सबसे पहले सुनिए कि उस दिन फैजान ने कहा क्या था जिसकी वजह से फैजान का नंबर आया है। सुनाइए जरा फैजान को। नंबर आपका कहां था? ये नंबर मेरा खो गया था ना। कब? 2 तारीख को। इसी दो को? हाँ, दो नवंबर। कहां पे खोया था ये? मैं गया था अपना मालविया रोड साइड पे गया था मैं, तो रास्ते में जब मैं वापस रिटर्न हुआ शंकर नगर में, मुझे एहसास हुआ मेरा मोबाइल कहीं गिर गया है, तो खमाड़ी पुलिस स्टेशन जाके मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई उसके पर। क्या हुआ था? शाहरुख की कंप्लेंट आई थी? मैंने दिया था। आपने दिया? हाँ, 10-15 दिन पहले कंप्लेंट किया मैंने शाहरुख खान की। हाँ। उसकी एक मूवी है अंजाम करके। हाँ। उसमें एक डायलॉग है उसका कि वो हिरन को मार के मजा आता है उसको। हाँ। उस पर मैंने ऑब्जेक्शन किया था और SP अपने कमिश्नर मुंबई पुलिस को कंप्लेंट किया उसकी मैंने, और जोधपुर में भी कंप्लेंट किया था उसका। तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि बदला लेने के लिए, फंसाने के लिए मुझ पर ऐसा कर दिया गया। सुन लिया आपने, फैजान ने पुलिस को और मीडिया को बताया कि उसके जिस नंबर से धमकी दी गई वो तो 3 दिन पहले ही खो गया था। फोन खोने की FIR भी फैजान ने कराई थी, लेकिन व्यस्तता के चलते फैजान ने नंबर बंद नहीं कराया। अब इस पूरे मामले के बाद पुलिस ने फैजान को छोड़ दिया। पुलिस ने फैजान को पूछताछ के लिए 11 नवंबर को बुलाया था, लेकिन 11 तारीख को फैजान पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। तो आज मुंबई पुलिस और रायपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फैजान को गिरफ्तार कर लिया। अब इस पूरे मामले पर बहुत कुछ असामान्य है, मतलब ऐसा है जो संदेह पैदा करता है। तो समझिए जरा एक बार फिर से। फैजान ने कुछ दिन पहले शाहरुख खान पर एक FIR दर्ज कराई। FIR में शाहरुख की अंजाम फिल्म के एक डायलॉग पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। अंजाम फिल्म जो कि आज से 30 साल पहले 1994 में आई थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब 30 साल बाद वकील फैजान खान को फिल्म के एक डायलॉग पर आपत्ति हुई? 30 साल बाद किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? अब वो ऐसा तो नहीं कि फिल्म देख रहा हो उसको लगे कि ये गलत है और हिरण का मसला है तो चलो FIR करा दें, कुछ सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। ये पूरी कहानी है, पूरी थ्योरी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इतने विस्तार से। शाहरुख खान पर FIR के कुछ दिन बाद ही फैजान का फोन खो जाता है, जिसकी शिकायत भी फैजान ने पुलिस को की, लेकिन फैजान ने फोन खोने के कुछ दिन बाद तक भी अपना नंबर बंद नहीं कराया। और जब उसी फोन से धमकी दी गई तो कहा कि व्यस्तताओं के चलते नंबर बंद कराने का समय मिला ही नहीं। बस यही सारे तफाक मामले में संदेह पैदा करते हैं। हो सकता है इसी वजह से फैजान की गिरफ्तारी हुई। खैर, पुलिस जांच कर रही है।
जो भी सच होगा सामने आएगा। अब जब पुलिस ने फैजान खान को गिरफ्तार कर लिया है तो पंडरी थाने से लेकर कोर्ट तक हर तस्वीर को करीब से कवर किया है। किसने? हमारे सहयोगी नितेश गर्ग ने। नितेश ने फैजान के परिवार वालों से भी बात की पूरी घटना पर। हमारे सहयोगी नितेश गर्ग की रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बातचीत करेंगे। शाहरुख खान धमकी मामले में फैजान खान को अब कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा है। देख सकते हैं पंडरी मोबा थाना में ये फैजान खान दिखाई दे रहा होगा और फैजान खान को जो है यहाँ गाड़ी में बिठाकर जो है ले जाया जा रहा है। आप देखिए देखिए फैजान खान को गाड़ी में बिठाकर जो है ले जाया जाएगा रायपुर कोर्ट और फिर आगे जो है तमाम जो वहां पर कानूनी कार्रवाई होगी। और आप देखिए ये गाड़ी में बिठा लिया गया है। महाराष्ट्र पुलिस ये दिखाइए बैच दिखाइए, ये महाराष्ट्र पुलिस दिख रहा होगा। महाराष्ट्र की पुलिस जो है वहीं के जो जवान है इसको ले जा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। जांच करने के बाद वो फैजान खान को उनकी टीम आज अरेस्ट कर रही है और यहाँ से वो लोग कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद ट्रांजिट रिमांड लेंगे और ट्रांजिट रिमांड के बाद ले जाएंगे। इसकी सूचना उन्होंने पंडित थाने में दी है। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, जब 11 तारीख को पेश होने के लिए बुलाया गया था 14 तारीख नोटिस में दिखाता हूँ। देखिए वो नोटिस बनाया गया है, उसे नोटिस नहीं था। गैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं क्वेश पिटीशन लगाऊंगा क्योंकि नोटिस उस डेट को हमको प्रोवाइड नहीं करवाया गया था। अब तक ये बात है कि धमकी दी गई है, तो मोबाइल 2 तारीख को चोरी हुआ, 5 को धमकी गई है। अब धमकी किसने दी ये तो हम नहीं जानते, इसका नॉलेज हमें किसी को नहीं है। और रही ये बात कि 11 को वहाँ पर होना था, जैसे कि पिछले इंटरव्यू में आप चेक करेंगे 14 का था कि 14 को होना है। अब अगर फैजान खान के पास 11 का नोटिस आया था तो उन्हें जाना चाहिए था। हम लोग तो कोऑपरेट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप खुद कह रहे हैं 11 को जाना था फैजान? हाँ जाना चाहिए था। वैसे 7 नवंबर और आज में एक अंतर और था। 7 नवंबर को फैजान बहुत ही आत्मविश्वास के साथ मीडिया से बात कर रहे थे, लेकिन आज विस्तार न्यूज सवाल कर रहा था और फैजान चुप थे। मेडिकल कराकर निकलते वक्त फैजान ने कोई बात नहीं की। नितेश गर्ग की रिपोर्ट देख लीजिए, बहुत कुछ तस्वीर नितेश के रिपोर्ट में साफ हो जाती है। दिखाइए धमकी देने वाले मामले पर फैजान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुलाहिजा होने के बाद जो है फैजान को ले जाया जा रहा है। ये हाथ में ब्लड दिख रहा है। फैजान क्या हुआ? फैजान कुछ कहेंगे? फैजान ये खून किस चीज का? फैजान आप गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 14 तारीख को आपने पेश होने की बात कही, कुछ तो बोलिए फैजान, पूरा प्रदेश सुनना चाहता है। फैजान क्या कहेंगे? फैजान कुछ बोलिए, फैजान कुछ कहिए, फैजान क्या? ये ब्लड किस चीज का है? ये खून का धब्बा किस चीज का है? फैजान 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 को आप देख सकते हैं, फैजान को ले जाया जा रहा है। फैजान कुछ कहेंगे? तो फैजान कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं और ये सब इंस्पेक्टर आप देख सकते हैं ये महाराष्ट्र पुलिस के हैं और इसके साथ एक पुलिसकर्मी और उधर दिखाई दे रहे होंगे। ये दोनों इनको बिठाकर अब कोर्ट की तरफ जो है ले जाएंगे। फैजान फैजान को देखकर साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि जैसे फैजान की तबीयत नासाज है और जैसा कि थोड़ी देर पहले फैजान ने कहा था कि मेरी तबीयत नासाज लग रही है, वही चीज़ जो है समझ में आ रही है। देखा आपने आज फैजान का हाव भाव कितना बदला हुआ था। फैजान को कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। कोर्ट से निकलते समय फैजान ने एक नया आरोप लगाया। आरोप था कि उसे पाकिस्तान से धमकी आ रही है, वो भी सुन लीजिए। फैजान को खतरा बोलिए, किसके तरफ से जान का खतरा है? पाकिस्तान से धमकी, पाकिस्तान से धमकी मिली है। अरे फैजान को खतरा बोलिए, किसके तरफ से जान का खतरा है? पाकिस्तान से धमकी, पाकिस्तान से धमकी मिली है। अरे फिलहाल फैजान मुंबई पुलिस की कस्टडी में है, आगे जो भी अपडेट आएगा बताता रहूंगा। इस खबर पर दिन भर आपने कितने विस्तार से देखा कि मेरे सहयोगी नितेश गर्ग एकमात्र रिपोर्टर हैं आज जो
मैदान में फैजान से एक शब्द निकलवाने के लिए पूरे दिन जद्दोजहद करते रहे, और इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा नितेश के पास। नितेश, ये जो आपने, ये कहते हैं ना कि किसी रिपोर्टर के अंदर वो जीना पड़ता है, उसको उसके अंदर रिपोर्टर को रिपोर्ट से इतना कनेक्ट होना पड़ता है, वो कनेक्शन आपका दिखाई दे रहा था। इस पूरी खबर पर वो अंदरूनी और तहकीकात आप करना चाह रहे थे जो प्रदेश की जनता, देश की जनता जानना चाहती है। आपके मन में क्या क्या सवाल थे और वो कौन से सवाल थे जिसको लेकर आप फैजान के पास जाना चाह रहे थे, विस्तार से बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए ये जिज्ञासा आपने ही सिखाई है। दूसरी चीज़ जो आपने कहा, मेरे मन में वो सवाल कौन सा था, सवाल पिछली रिपोर्ट जब दिखाई थी वही सवाल था कि आखिर दोषी कौन है, आखिर कौन है जिसने धमकी दी है। तो इसी मामले को लेकर जो ये पूरी कवायद हुई, सुबह 9 बजे से हम लग गए, पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ हमने झांकने की कोशिश की। और अभी सबसे बड़ी मैं खबर यही बता रहा हूँ आपके माध्यम से कि फैजान खान को बाया रोड इनोवा कार के माध्यम से जो है बांद्रा ले जाने की जो है ले जाया गया है, नागपुर के रास्ते में वो पहुँच गए हैं, और इसके बाद कल जो है बांद्रा कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये भी विस्तार न्यूज़ अपनी कमिटमेंट के तहत सबसे पहले बता रहा है। और कल जो है इस ट्रांजिट रिमांड को प्रोडक्शन वारंट के तहत बदलकर पुलिस रिमांड में तब्दील किया जाएगा। 14 दिन की रिमांड मांगने की पहली जो है पुलिस की जानकारी सामने आई है, और ये आपके माध्यम से मैंने बता दिया। मैं बात करना चाहता था और लास्ट में सफलता भी मिली, और लास्ट में जाते जाते फैजान ने एक नया एंगल दे दिया कि पाकिस्तान से जो है थ्रेट है, पाकिस्तान से थ्रेट है, ठीक है। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि इनोवा के इनोवा गाड़ी में सवार होकर फैजान को बांद्रा ले जाया जा रहा है, आप इसी तरह से अपडेट बनाए रखिएगा, जरूरत पड़ी तो आपको भी बांद्रा और मुंबई भेजा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको नितेश।